अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केक बुटीक बाय किरण रज़ा। और आज केक बुटीक में लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल और हर घर की ज़रूरत टैंग। होम मेड टैंग बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑरेंज टैंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम शुगर, यानी कि एक कप मैंने चीनी ली है घर की नॉर्मल। उसमें एक टीस्पून मैंने सिट्रिक एसिड यानी टार्टरिक का यूज़ किया है। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज एसेंस, आप किसी भी कंपनी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ ऑरेंज। और इसको जो है मैं किसी भी मिक्सर में डालकर आप इसको अच्छे से जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको कर लें, तो ये जो है हमारा एक ऑरेंज कलर का एक पाउडर रेडी हो जाएगा, जिसको हम यूज़ करेंगे ऑरेंज टैंग बनाने के लिए। ठीक है, ये रेडी है। अब मैं इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, वो है ग्लूकोज डी। आप किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड आपको अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें, इट्स फॉर इंस्टेंट एनर्जी। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसको एक साथ सब डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट इससे जो है इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैंगो फ्लेवर में टैंग, और मैंगो फ्लेवर के लिए भी मैंने 200 ग्राम शुगर यूज़ की है, यानी कि 1 कप शुगर। उसमें 1 टीस्पून मैंने सिट्रिक एसिड टार्टरिक का यूज़ किया है, हाफ टी स्पून मैंगो एसेंस, और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसको बिल्कुल उसी तरह से किसी भी मिक्सर में डालकर आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद जो है उसी तरह मैं इसके अंदर ग्लूकोज पाउडर ऐड करूंगी, ग्लूकोज डी जो हमारा आता है नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी ड्रिंक्स के लिए। तो ये जो है हमारा टैंग रेडी हो गया है इन मैंगो फ्लेवर। अब जो है हम यूज़ करेंगे बनाएंगे लेमन के अंदर, और लेमन में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम शुगर, 1 कप शुगर, और सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरिक मैंने इसमें ली है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें नॉर्मल जो हमारा नमक होता है घर का वो यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून इसमें लेमन एसेंस का यूज़ किया है, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर ग्लूकोज को ऐड कर दिया। आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह के टैंग के फ्लेवर में आता है, बट मुझे वो पसंद नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अगर करना चाहें तो 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनको रेडी किस तरह करना है, बहुत ही इजी है। बस आपने पानी लेना है ठंडा ग्लास में, थोड़ा सा ग्लास को खाली रखें, इनके 3/4 मैं इसको फिल कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी जो हमने इंस्टेंट पाउडर बनाया है अपना टैंग का, उसके 2 टेबल स्पून जो हैं बिल्कुल भर कर आपने यूज़ करने हैं फुल। अगर आपको ज़्यादा कुछ टेस्ट में कमी हो तो आप 3 टेबल स्पून तक भी कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल सही रहा। और इसको हमने 2 टेबल स्पून इसको ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर आइस क्यूब डालें, इसको ठंडा करें और इसको फौरन से जो है वो आप यूज़ कर लें। बहुत ही ईजी बनाने में और पीने में बहुत मज़ेदार और एनर्जेटिक भी है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी है। तो इसको ज़रूर आपने तैयार करना है। मेरी रेसिपी थोड़ी सी लेट हो गई, ये प्री रमज़ान होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अभी इसको रेडी किया तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आपने इसको ज़रूर तैयार करना है और फीडबैक देना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो पूरी गर्मियों में ही रहता है, सिर्फ रमज़ान में नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है मुझे और बताना है कि आपको ये जो है हमारे टैंग के जो प्रीमिक्स मैंने रेडी किया है ये आपको कैसा लगा, और जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबके काम आ सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिएगा।